उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव से पहले सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसकी मुख्य वजह पोस्टल बैलेट मतों पर उठाए जा रहे गंभीर सवाल हैं, जिसको लेकर किसान की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर लगी बीजेपी की प्रचार होर्डिंग्स भी खूब चर्चा में हैं, जिन पर लोग सोशल मीडिया पर प्रशासन से प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इस सब से अनजान बना हुआ है। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट और बीजेपी के प्रचार होर्डिंग का मामला योगी के गढ़ गोरखपुर का है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन से भोजपुरी कलाकार काजल निषाद प्रत्याशी हैं, जो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें काजल निषाद ने पोस्टल बैलेट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि डाक मतदान के दौरान सरकारी कर्मचारियों से लिफाफे पर साइन कराए जा रहे हैं। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने इस पर किए गए अपने ट्वीट में लिखा है, गोरखपुर जनपद में सरकारी कर्मचारियों से पोस्टल बैलेट द्वारा वोट डलवाते समय लिफाफे के ऊपर हस्ताक्षर कराया जा रहा है, जिससे मतदाता भयभीत है, जिसकी वजह से मतदाता की गोपनीयता भंग होती है। इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने ट्वीट में काजल निषाद ने निर्वाचन आयोग, सपा मुखिया अखिलेश यादव और डीएम गोरखपुर को टैग किया। वहीं रितेश कुमार नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपनी पोस्ट में बीजेपी का गोरखपुर में मतदान के बाहर लगे होर्डिंग की वीडियो शेयर की है, जिस पर मोदी योगी की तस्वीर लगी है और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की गई है। रितेश कुमार ने अपनी पोस्ट में निर्वाचन आयोग, डीएम गोरखपुर, यूपी पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया है। लिखा है कि ध्यान दीजिए, यहाँ 1 जून को मतदान होना है और ये पोलिंग बूथ के बाहर ही इतना बड़ा होर्डिंग लगा रखे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर भी पोस्टर बैनर लगाने का परमिशन दिया जाता है क्या? इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के शिकायती ट्वीट पर घंटों बाद गोरखपुर प्रशासन की ओर से सफाई दी गई, लेकिन होर्डिंग्स पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जिला अधिकारी गोरखपुर के आधिकारिक हैंडल से काजल निषाद की पोस्ट पर दिए जवाब में पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के सभी प्रपत्र को पोस्ट किया गया। डीएम ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि प्रत्याशी को पोस्टल बैलेट मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया गया। 13C बाहरी बड़ा लिफाफा था। 13A निर्वाचन द्वारा घोषणा पत्र पर मतदान के हस्ताक्षर होते हैं। 13B छोटा लिफाफा जिसमें मतपत्र होता है, उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं होता। प्रत्याशी के प्रतिनिधि प्रहलाद यादव उपस्थित होकर प्रक्रिया से अवगत हुए। अग्रेतर अवगत कराना है कि बड़ा लिफाफा 13C के अंदर मतदाता घोषणा पत्र 13A व छोटा लिफाफा 13B रहता है। मतगणना के समय 13A को सील किया जाता है, तदोपरांत 13B में रखे मत पत्रों की गणना की जाती है, जिसमें मतदाता का हस्ताक्षर नहीं होता, जिससे गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं होता। दरअसल अब की बार गोरखपुर में बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के उम्मीदवार भोजपुरी कलाकार हैं। ऐसे में गोरखपुर संसदीय सीट पर काजल निषाद और रवि किशन के बीच 24 की चुनावी लड़ाई बेहद नजदीकी दिखाई दे रही है। बीजेपी के गढ़ गोरखपुर में कांटे का मुकाबला होने के आसार के चलते इंडिया गठबंधन चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रहा है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पूरी निगरानी सपा के लोगों द्वारा रखी जा रही है, ताकि कहीं पर मतदान प्रक्रिया में प्रशासन की ओर से कोई झोल नहीं किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी प्रचार में जिस तरह का लचीलापन सत्ताधारी दल के लिए प्रशासन की ओर से दिखाने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग का अपने साख बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन पर संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।